आज ये ज़बानें ज़िक्र खुदा में मशगूल नहीं। देखिए अज़कार का बहुत फ़ायदा है, ज़िक्र खुदा इंसान को याद खुदा में रखता है। आज मसला ये नहीं कि किसी को ये नहीं पता कि नमाज वाजिब है कि नहीं, रोज़ा रखना वाजिब है कि नहीं, और हम मिंबर से सदियों से ये चीखते रहें कि रोज़ा रखो नमाज पढ़ो। मसला ये है कि नौजवान को यही नहीं पता कि मैं रोज़े के करीब क्यों नहीं जा रहा, मैं नमाज के करीब क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि इसे हकीकत नमाज का नहीं पता, हकीकत रोज़े का नहीं पता। उलमा बड़ा अच्छा जुमला फरमाते, फरमाया अगर कोई इंसान इबादत के करीब नहीं है, इसकी वजह यह है कि इसकी तौहीद कमज़ोर है। अगर तौहीद मजबूत हो जाए तो आपकी इबादतें सही हो जाएं। देखिए उसूल दीन में तकलीद वाजिब नहीं। क्यों वाजिब नहीं? कि फरमाया अगर खुदा को मानो तो अक्ल के ज़रिए से मानो। आज अगर बच्चा बाप से पूछता है बाबा खुदा है, तो जब बाप को नहीं पता वो बच्चे के लिए कैसे साबित करेगा? जब बच्ची अहमियत हिजाब अपनी माँ से पूछती है, जब माँ को नहीं पता ये बच्ची को क्या बता पाएगी? किस इंसान को ज़ियारत करबला की अहमियत का पता ना हो, फरमाया वो ज़ियारत तो करने जाएगा लेकिन वो मारिफत हासिल नहीं कर सकेगा। कि पिछले साल मैंने ये जुमले कहे थे कि हमारे उस्ताद फरमाते हैं, फरमाया जब तू करबला जाते हो तो नीयत क्या करते हो? अक्सर लोग दुआओं में कहते हैं खुदा मुझे इमाम हुसैन के जरिए दिखला दे, मुझे बैनुल हरमैन दिखला दे, मुझे मौला का रवाक, रोज़ा, दीवारें दिखला दे। फरमाया ये भी दुआ अच्छी है, जब जाओगे ये दुआ कबूल भी होगी। एक मरतबा मौला की जरी को बोसा दोगे, एक मरतबा दर दीवार को बोसा दोगे, एक मरतबा बैनुल हरमैन में चलोगे, इमाम का जिक्र करोगे, ये भी सवाब मिलेगा। लेकिन फरमाया मकाम मारिफत तब है जब तुम्हारी दुआ ये हो क्या है खुदा हुसैन की जरी की भी ज्यारत करा और खुद इमाम हुसैन की भी ज्यारत करा। आज कितने मोमिनीन हैं जिन्होंने खुद ज़ात हुसैन इब्न अली की ज़ियारत की हो, आज कितने मोमिनीन हैं जिन्होंने खुद इमाम ज़माना की ज़ियारत की हो। भाई हम क्यों नहीं कर पाते? फरमाया क्योंकि निजासतों से भरे हुए हैं। जब तक रूह बुलंद नहीं होता, जब तक इसकी परवाज बुलंद नहीं होती, फरमाया तब तक ज़ियारतें नहीं होती। हम कितने ख्वाब देखते हैं, कभी पैसे वाले बन गए, कभी कहाँ पे सैर करने गए, कभी किसी से मिलने गए। जब ख्वाबों में ये रूह हर जगह जा रही है तो हुसैन इब्न अली की ज़री की तरफ क्यों नहीं जा रही? जबकि इश्क भी है। पिछले साल मैंने एक मिसाल दी थी ना, अगर कोई बच्चा कराची से ऑस्ट्रेलिया चला जाए पढ़ने के लिए और एक साल गुजर जाए, अपने वालदेन को फ़ोन न करे, ईमेल न करे, कोई मैसेज न दे, एक साल के बाद वापस आए और अपनी माँ को कहे अम्मा मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बाबा मुझे आपसे बड़ा प्यार है, तो बाप कहेगा तू झूठ बोल रहा है। अगर इतनी मोहब्बत थी तूने कोई SMS नहीं किया, तूने कोई ईमेल नहीं किया, पूरा साल गुजर गया तूने मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया, तो तू झूठ बोल रहा है। मोहब्बत का तकाजा है कि इर्तबात होना चाहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि राबता होना चाहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि दीदार का तकाजा हो, कि जिससे इंसान मोहब्बत करता है उससे बात करना चाहता है, उसे देखना चाहता है, उसे गले लगाना चाहता है। फरमाइए मोहब्बत का तकाजा है। तो ये कैसा शिया है कि 60 साल गुजर गए लेकिन अभी तक अपने मौला को नहीं देखा? ये कैसा शिया है कि 25 साल जिंदगी गुजर गई लेकिन अभी तक अपने इमाम जमाना के चेहरे को नहीं देखा? हम दुनियावी मोहब्बत जिससे करते हैं, कितने SMS करते हैं, पैकेजेस खत्म हो जाते हैं लेकिन हमारे रवाबित खत्म नहीं होते। लेकिन वही मौला, वही आका जो पर्दे गायब में है, हमने कितना राबिता अपने मौला के साथ मुहकम किया, कितना राबिता अपने इमाम से बनाया। देखिए मकसद जहूर इमाम क्या है? एक ही मकसद है कि मौला की हुकूमत कायम हो जाए। यही मकसद है ना कि दुनिया में हुकूमत महदवी कायम हो जाए और हम मौला को उस हुकूमत के कायम करने में मदद करें। कि दुआ करते खुदा हम इमाम के आवान और अंसार में शरीक फरमा, अंसार यानी मदद करने वाला। तो इंतज़ार का मकसद ये है कि हम किसी बस स्टॉप पर बैठ जाएं और इंतज़ार करें कि ट्रेन कब आती है या बस कब आती है। फरमा इमाम का इंतज़ार ऐसे नहीं करना कि मोमिन हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए इमाम कब आते हैं। फरमा नहीं, अब जुमला सुनिएगा, फरमाया हुकूमत इमाम के कायम होने से पहले तू खुद एक हुकूमत कायम कर। हुकूमत इमाम के कायम होने से पहले आप खुद एक हुकूमत कायम करिए, फिर आप सवाल करें क़िबला मैं न सदर हूँ, न वज़ीर आज़म हूँ, न फौज का जनरल हूँ, मैं हुकूमत बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ? तो कहा ठीक है, हुकूमत वही बना सकता है जिसके पास इख्तियार हो। जितना इख्तियार उतनी हुकूमत। सदर के अपने इख्तियार हैं, MPMNS के अपने इख्तियार हैं, नाजिम के अपने इख्तियार हैं। फरमाए तुम्हारा इख्तियार जहाँ तक है वहाँ तक इमाम ज़माना की हुकूमत बना।
अगर घर में इख्तियार है तो अपने घर में इमाम की हुकूमत कायम कर, अगर बेटे का इख्तियार है तो बेटे पे हुकूमत कायम कर। कहते किबला बीवी नहीं सुनती, औलाद नहीं सुनती, बेटे नहीं सुनते, बेटियां नहीं सुनती, ठीक है, लेकिन तुम्हारा इख्तियार तुम्हारे वजूद पर तो है। किसने आपको मजबूर किया हुसैन की मजलिस में आने के लिए? किसी ने नहीं किया, आप खुद आए। मेरा इख्तियार मेरे हाथों पर है, हाथ बुलंद होते हैं। मेरा इख्तियार मेरी आंखों पर है, आंखें खुली हुई हैं। आपका इख्तियार आपके कानों पर है, आपकी जबान पर है, आप बोलते हैं। फरमाया तुम्हारा इख्तियार तुम्हारे वजूद पर है। इमाम जमाना की हुकूमत के कायम करने से पहले खुद अपने अज़ा व जवारेह पर मौला की हुकूमत को कायम कर। आज मसाला यह है कि मेरी आंखों पर मौला की हुकूमत नहीं है, मेरे हाथों पर मौला की हुकूमत नहीं, नौजवानों के जहनों पर मौला की हुकूमत नहीं, हमारे कदमों पर मौला की हुकूमत नहीं, तो फिर इस मजलिस का कोई फायदा नहीं। कि इमाम फरमाते हैं हम हर मजलिस में आते हैं लेकिन हर मजलिस से राजी नहीं होते। फरमाए मौला किस मजलिस से राजी होते हैं? फरमाए जिस मजलिस में मोमिन आए और जब रात को घर जाए तो अपने वजूद के अंदर किसी तब्दीली का एहसास करें।